जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर हैं जी एक नई बहुत ही ज़बरदस्त पार्टिज हंटिंग वीडियो के साथ। तीतर के शिकार पे जी निकले हैं। एरिया बहुत ज़बरदस्त है, इस एरिया के अंदर तीतर भी काफ़ी है। पहले भी मैं तकरीबन 1.5 साल पहले, लास्ट ईयर 2 साल पहले आया था एक सीज़न छोड़ के, तो तब हमें तीतर मिला था। उसके बाद अब मैं आ रहा हूँ इस एरिया में, तो यहाँ पर तीतर हमें इंशाल्लाह लाजमी मिलेगा। बोलने की भी आवाज़ आ रही है। ट्रैक्स मैं देख रहा हूँ, ट्रैक्स आपको दिखा देते हैं। ट्रैक्स भी यहाँ पर पड़े हैं और फ्रेश ट्रैक्स हैं। सुबह के टाइम जो है ना, तीतर इसी एरिया में घूम रहा था, तो इसका मतलब है कि हमें आज भी मिल जाएगा दोपहर को भी। तो कवर इस तरफ काफ़ी है। और ये देखें, ये एक मिनट आपको दिखा देते हैं। ये जी ठीक हो गया जी, ये कवर है जी, ये रास्ता है, इसके ऊपर ही ये घूम फिर रहे होते हैं। यहाँ पे फीड भी करते हैं बाहर, इधर गंदम की फसलें हैं उधर भी ये जाते हैं। तो अभी जो है ना धूप है काफ़ी, तो जब भी धूप होती है तो थोड़ा तीतर कवर के अंदर, शेड के अंदर ही रहना पसंद करता है। जब छांव थोड़ी होगी तो ये बाहर आ जाएगा। तो कोशिश करते हैं कि हम पहले ही ढूँढ लें, वरना दोपहर को तो लाजमी तीतर की आवाज़ आ रही है काफ़ी दूर, तो लाजमन दोपहर को हमें मिल जाएगा शिकार। तो चलते हैं जी आगे, इस तरफ एक आवाज़ आ रही है तीतर की, आगे चलते हैं। उम्मीद है हमें शायद शॉट दे दें। कवर इस तरफ है भी कम, तो अभी मुझे लगता है मिल जाएगा हमें तीतर। चल रहे हैं जी आगे, जाके आपको बताते हैं। दोस्तों तो इसको थोड़ा लो हिट हुआ है, लेकिन आके गिर गया यहाँ पे। ये देखें जी, इसको नीचे हिट हुआ है, ज़िबा करते हैं जी। जी दोस्तों, तो फाइनली एक तीतर मिला है। मुझे लगा था कि हम जल्दी मार लेंगे, लेकिन तीतर मुझे नहीं मिल रहा यहाँ पे ना। एक मारा है पीछे जो है, तीतर थे जहाँ पे मैं गया था, लेकिन वो दरख्त के ऊपर बैठे थे, उन्होंने वो पहले ही जो है ना उड़ गए। तो बहरहाल अभी टाइम तो खैर काफ़ी रहता है, उम्मीद है 2-4 और भी हम मार लेंगे। बैग लिमिट तो 6 की है, तो बाकी गन की परफॉर्मेंस बेहतरीन है जी। जो तो ये ख़रीदना चाहते हैं, रेक्सी मैक थ्रोन जैन 2। दूसरा जी, मैं स्लग यूज़ कर रहा हूँ। स्लग का ये फ़ायदा है, अगर नीचे भी हिट हो जाए तो दूर नहीं जाता, 10-15 यार्ड पे। अब ये 10 यार्ड के ऊपर जाके गिर गया था, तो सॉलिड हिट था। तो आगे चलते हैं जी। जी दोस्तों, तो यहाँ से फायर लगा है, एक तकरीबन 30 यार्ड पे जाके गिर गया। एक हेड शॉट है, वो मौके से नहीं हिला। ये पड़ा जी, हेड शॉट है जी, ज़िबा करते हैं। जी दोस्तों, तो ज़िबा कर लिए हैं। आगे की तरफ आवाज़ भी आ रही है, आगे चलते हैं, उम्मीद है कुछ ना कुछ मिल जाएगा।
जी तो एक और हेड शॉट भी हमें मिल गया है, एक बॉडी शॉट। उठाते हैं जी, इधर ये भी हेड शॉट है जी। ब्लड ज़्यादा नहीं दिखाते हम, फिर बैन कर देता है वीडियो यूट्यूब चैनल, दूसरा भी होगा। इधर ही है, ढूंढते हैं जी। एक और चीज़ जी आपको दिखाते हैं, ये बेरी का दरख्त है, इसके ऊपर ये देखें, ये समझ लें कि कैंसर इसको लग चुका है। ये जिधर अब ये मैंने उठा लिया, ये किसी दरख्त के ऊपर फेंक दूँ तो ये फैलना शुरू हो जाएगी। उसी दरख्त के ऊपर फीड करती है और बिल्कुल एंड पे कवर कर लेती है। वो सामने देखें दरख्त खड़े, ये देखें जी जिस तरह इस दरख्त का हाल हुआ हुआ है। तो इस तरह ये बिल्कुल फीड करती रहती है और एंड पे दरख्त जो है ना, जो दरख्त की ग्रोथ होती है वो ख़त्म हो जाती है जी। दोस्तों तो वापस आ चुके हैं जी, 5 तीतर हमने मार लिए थे। उधर मैं वीडियो फील्ड में एंड नहीं कर सका था, मैं कहीं और चला गया था शिकार करके। तो काफ़ी अच्छा शिकार रहा, कम टाइम के अंदर बहुत अच्छे शॉट, 2 हेड शॉट भी मिल गए। तो बाकी ये गन अवेलेबल है जिस तरह की, फॉर सेल कम्प्लीट पैकेज 2,50,000 का मिलेगा जी, मेड इन तुर्की गन है, बेहतरीन परफॉर्मेंस मिल रही है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।